आर डेली द लेटेस्ट न्यूज़ में आप सबका स्वागत है और मैं हूँ सुनी डोगरा। एक दुखद खबर लेके हाजिर हुई हूँ। आपको बताते चले कि अब जम्मू की बात करें तो जम्मू में भी युवकों की बात करें तो खुदकुशी के मामले जो है वो सामने आ रहे हैं। वहीं पे आपको बताते चले कि 22 साल के सचिन शर्मा ने की खुदकुशी। जी हाँ, एक दुखद वाक्य है कि अभी छोटी सी उम्र, जिसकी उम्र 22 साल के सचिन शर्मा ने खुदकुशी कर ली। वहीं पे आपको बताते चले, इससे पहले की बात करें, ये जो मामला जो है वो सबसे पहले सरवाल से सामने आ रहा है, जहाँ पे देर रात की बात करें तो लगभग कल 7:30 बजे के आसपास सचिन शर्मा ने चाइल्ड स्पेशलिस्ट क्लिनिक में आत्महत्या कर ली। और ये मामला जब सामने आया था, बहुत सारी बातें जो है वो सामने आने लगी। बताते चले, इससे पहले की बात करें तो जानीपुर में एक लड़के ने अपने आप को फांसी पर लटका लिया था, और वहीं पे उसके बाद अब ये दूसरा 22 साल का सचिन शर्मा। वहीं बता दें कि खूबसूरत लड़का था और किसी भी बात की इसको कोई टेंशन नहीं थी, फिर भी ना जाने क्यों हमारे जो जम्मू के युवा जो हैं वो इस तरह का स्टेप उठा रहे हैं सुसाइड करने का। क्यों लगातार अब जम्मू में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं? बताते चले, सचिन शर्मा की जो उम्र है वो 22 वर्ष बताई जा रही है और एक क्लिनिक में काम करता था। और बताते चले कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट क्लिनिक सरवाल में ये नौकरी करता था, वहीं पे वेटिंग हॉल पे अपने आप को फांसी लगा दी तो अपनी जान जो है वो गंवा दी। उसके बाद ये भी एक बात सामने आई है कि आसपास के लोगों ने ये जानकारी दी कि उसके दोस्त मित्रों ने कि सचिन शर्मा अपने घर पे फ़ोन किया और अपने दोस्तों को फ़ोन किया और उसने कहा कि 15 मिनट के बाद में क्लिनिक में आकर मेरी फ़ोटो जो है वो आगे भेज दिया जाए, आगे सेंड कर दी जाए। इस बात का क्या मतलब है ये तो अब हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये बात कहीं जो कहीं ना कहीं सवाल निकल के सामने आते हैं कि मामला क्या है, आखिरकार क्यों हमारे जो जम्मू के युवा जो है वो सुसाइड पे सुसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, सुसाइड तक कर रहे हैं। आत्महत्या की बात करें तो वो किसी बात का निर्णय नहीं है। परिवार कहीं ना कहीं, माँ बाप को परेशानी होती है, भाइयों को परेशान होती है, तो हमें कभी भी, अब 22 वर्ष की सचिन शर्मा की बात करें तो इसके माँ बाप पे क्या बेहतरी होगी, वो तो उनके माँ बाप ही जानते हैं। क्योंकि लड़का जो था खूबसूरत था, किसी बात की चिंता भी नहीं थी, टेंशन नहीं थी, लेकिन आखिरकार में जब फ्रेंडों को फ़ोन किया कि ये कहा कि 15 मिनट के बाद आकर क्लिनिक में मेरी फ़ोटो को आगे भेज दिया जाए। और ये तस्वीरें जो है, अब ये जो मैटर है इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, पुलिस जाँच करेगी कि क्या है पूरा मामला। लेकिन आपको बताते चले, युवा की बात करें, यूथ की बात करें तो पहले जानीपुर से एक यूथ ने सुसाइड किया, छोटा लड़का था। अब ये 22 वर्ष जो सचिन शर्मा जो है, जो तस्वीर आप देख रहे हो, इसने भी सुसाइड कर लिया। हमारे जम्मू की बात करें तो इस तरह के मामले जो है वो निकल के सामने आ रहे हैं। तो अपने माँ बाप को मैं यही कहूँगी, सब माँ बाप को अपने बच्चों को प्यार से समझाया जाए कि कोई भी किसी प्रकार की टेंशन है तो उनके दोस्त बनकर उनका साथ दीजिएगा, अपने बच्चों को समझाइएगा कि इस प्रकार का स्टेप ना उठाए। और जनरेशन की बात करें, आजकल की जनरेशन की बात करें, उनको नहीं पता लगता, वो जल्दबाजी में स्टेप उठा लेते, लेकिन बाद में उनके भाइयों को, उनके माँ बाप को, उनके रिलेटिव को परेशानी होती है। तो हमें यही चाहिए कि गलती से भी ये स्टेप नहीं उठाना चाहिए। कोई भी बात है तो अपने माँ बाप से क्लियर कीजिए। माँ बाप जो है एक दोस्त का रूप भी होता है, उनको दोस्त समझ कर माँ बाप को भी चाहिए बच्चों का साथ दे, छोटी छोटी बात पे घर पे झगड़े ना करें, क्योंकि आजकल की जनरेशन जो है वो इस तरह के कदम जल्द उठा लेती है। देखते रहिएगा डेली द लेटेस्ट न्यूज़। कैमरामैन गगन के साथ सोनिया डोगरा को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।